अदानी ग्रुप विरोध में आमेरिकार न्यायिक विभाग पक्षर् आसीथिबा लांच अभियोग को भित्तिहीन बोली कहिछन्ति सुप्रीम कोर्ट को वरिष्ठ आईनजीवी महेश जेठमलानी। केवल निजर राजनैतिक स्वार्थ पर कांग्रेस यहाँ एक मुद्दा बनाइथिबा कहिछन्ति से, किंतु वास्तवता हैला अदानी ग्रुप विरोध में कौन सी प्रमाण ना। अदानी ग्रुप विरोध में एमती अभियोग आनी भारत विकास को रोकवा लगी यह एक षड्यंत्र जेठमलानी। संसद में कांग्रेस जो भाव में बिना आधार में जेपीसी दावी करुछि ताहा संपूर्ण भूल, कारण वर्तमान सुधा जहाँ भी डॉक्यूमेंट सामना को आसी के भी अदानी ग्रुप विरोध में कौन सी प्रमाण ना। बिना तथ्य एभली आरोप लगाइबार निरर्थक बोली वरिष्ठ आईनजीवी महेश जेठमलानी। तेब एमती कर अदानी ग्रुप विभिन्न कंपानी शेयर मूल्य को कम करने जहाँफल निवेशकों क्षति होथर मध्य बिना तथ्य और प्रमाण में अभियोग आसी। से देखिए, जो इंडाइटमेंट यूएस कोर्ट ने किया है अदानी ग्रुप के खिलाफ, यानी उसमें काफी नाम्स हैं, लेकिन उस इंडाइटमेंट में ये नहीं बताया गया है कि भारत में कौन से कानून का उल्लंघन हुआ है। उस इंडाइटमेंट में ये नहीं कहा गया है कि किसी को भी, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल भारत में को घूस मिला है अदानी ग्रुप या उनके ऑफिसर्स द्वारा। वो स्पष्ट है, आप इंडाइटमेंट पढ़िए, उसमें नहीं है। इंडाइटमेंट सिर्फ ये बताता है कि एक साजिश था और उसके बारे में भी कोई सबूत नहीं है कि ये साजिश था ब्राइब करने के लिए, लेकिन उसके लिए भी जैसे मैंने कहा कोई भी सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी अंधविश्वास के आधार पे इसको यहां पे एक इश्यू बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस पार्टी को कम से कम, मैं नहीं कहता हूं कि यदि यहां पे कुछ रॉन्ग डूइंग हुआ है, कुछ गलत कानून का उल्लंघन हुआ है अदानी ग्रुप या उनके ऑफिसर्स द्वारा, कि अथॉरिटीज को या जेपीसी को स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि पहले आप सबसे पहले सबूत पेश कीजिए, उसके बाद देखना चाहिए कि ये सबूत काफी है कि नहीं। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।